हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। और आज हम आपसे बात करने वाले कुछ जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि होंगे 200 के आसपास जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, और इनके आंसर भी सामने दिए हुए होंगे। बस थोड़ा जनरली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इनमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, जो कि मतलब जो जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है एग्रीकल्चर के अंदर, उनमें नॉर्मली ये पूछे जाते हैं, चाहे वो ICAR के एग्ज़ाम्स हो या फिर AFO का एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम्स हो या AHO हो या फिर वो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, anyway ARS वगैरह कुछ भी, उसमें जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ 200-300 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल एग्रीकल्चर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने सिलेक्ट किए हैं अदर अदर्स हर किसी सब्जेक्ट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रोमिनेंट फ्यूल स्मेल ऑफ करनाल बंट इज ड्यू टू दी, जो करनाल बंट डिजीज हो जाती है वीट में, उसकी कारण कौन सी स्मेल, किसके कारण वो स्मेल आती है, एक मछली जैसे, मरी हुई मछली जैसे, तो वो आती है ट्राईमेथिल एमीन की वजह से, ना तो वो डाईमेथाइल एमीन की वजह से होती है, या ट्राईएथिल एमीन की वजह से भी नहीं होती, वो होती है ट्राईमेथिल एमीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिकल वेदरिंग, जो केमिकल वेदरिंग होती है सोयल साइंस के अंदर, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदरिंग कौन सी है। उसके अंदर देखो, एक्चुअली में चार प्रोसेस होती है, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, सोल्यूशन और कार्बोनेशन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदरिंग प्रोसेस जो होती है हाइड्रोलाइसिस। इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस इसलिए इंपॉर्टेंट कि एक डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन एंड टोबेको, जो लीफ कर्ल डिजीज होती है कॉटन और टोबेको, उसके अंदर वेक्टर कौन है, तो वो है बेमिशिया टेबिसाई बटरफ्लाई है, एक बेमिशिया टेबिसाई, जिसके कारण लीफ कर्ल डिजीज होता है, मतलब वेक्टर होता है ये बेमिशिया टेबिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ टोमेटो स्पॉटेड विल्ट, जो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट है उसका वेक्टर कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर माइजस परसीसी, नेक्स्ट है एफिस गोसिपाई, नेक्स्ट थर्ड है बेमिशिया टेबिसाई और फोर्थ है थ्रिप्स टेबिसाई। तो जो टोबेको स्पॉटेड विल्ट होता है उसका जो वेक्टर है वो है थ्रिप्स टेबिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल टू विच गिवन पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी रिड्यूस टू द अचीव द पॉइंट वेयर मार्जिनल रिवेन्यू जस्ट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, तो वो कौन सा लेवल होगा, EI होगा, EIL होगा, ETL होगा, GEP होगा या DB होगा। ये एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, इसके अंदर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल मीन ETL इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएजेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फास्फोरस इन एल्कलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल के अंदर फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ब्रे नंबर वन यूज किया जाता है, नहीं, सेकेंड है ब्रे नंबर टू, नहीं, वो भी यूज नहीं किया। नेक्स्ट है ओल्सन रिएजेंट, हाँ, ओल्सन रिएजेंट एल्कलाइन सोइल के अंदर फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, पूसा डिलीशियस इज डेस्टेजस टाइप ऑफ द पपाया, तो जो पूसा डिलीशियस वेराइटी वो किस टाइप की वेराइटी है पपाया की, फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर गायनेशियस वेराइटी है या फिर गायनोडिशियस वेराइटी है या फिर दोनों है, तो जो पूसा डिलीशियस वेराइटी है वो गायनोडिशियस वेराइटी है पपाया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटी अंडर हिल इज रिलेटेड टू, वो कौन सी वेराइटी जो अंडर हिल इज रिलेटेड टू, द फर्स्ट इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटी अंडर हिल इज रिलेटेड टू, वो है एप्पल की, राइस की, वीट की और पीच की, तो वो वेराइटी है वीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमोस द मॉस्किटो रेपेलेंट कंटेंस, उसके जो ओडोमोस होता है एक ये पेस्ट होता है, ट्यूब होती है जो कि मॉस्किटो वगैरह काटते हैं तो उससे बचाने के लिए लगाई जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है पायरीथ्रीन होता है, कैम्फोर ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, नीम ऑयल, ये नहीं होता, उसके अंदर होता है पायरीथ्रीन। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ डैमेज वीट पेस्ट विच हैव बीन रैंक इन द ऑर्डर, ये है कौन सा वीट पेस्ट है ना,
वीट फेस्ट का ऑर्डर है जो कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर डैमेज पहुंचाते हैं वीट क्रॉप के अंदर, वो कौन कौन से सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा पहुंचाते हैं इसके अंदर ब्राउन रस्ट, उसके बाद में लूज स्मट, उसके बाद में टर्माइट और फिर करनाल बंट। ये ऑर्डर दे रखा है, ये इस ऑर्डर के हिसाब से जो वीट के अंदर सीवियरली डैमेज करने वाले डिजीज हैं ये। ब्राउन रस्ट सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, उसके बाद में लूज स्मट है, फिर टर्माइट है, फिर करनाल बंट है। ये चार ऑर्डर और दे रखे हैं, टर्माइट ब्राउन रस्ट ये गलत है सब, ये फर्स्ट वाला इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इंडिया किसके प्रोडक्शन में मोनोपोली है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका मलबेरी सिल्क, सेकेंड है टसर सिल्क, थर्ड है एरी सिल्क एंड फोर्थ है मोगा सिल्क। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है मोगा सिल्क, उसके अंदर ये मोनोपोली है इंडिया। नेक्स्ट है द पेस्ट विच इज रिजल्ट फीचर एंड कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एपिडेमिक, एंडेमिक, सीजनल एंड स्पोरेडिक। तो ये होती है एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल सीत क्लोरोप्लास्ट, तो बंडल सीत क्लोरोप्लास्ट कौन सा, लेक स्ट्रोमा, लेक ग्रेना, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका होगा लेक ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ऑक्सीजन एंड लो साइटोकाइनिन फेवर, तो अगर किसी के प्लांट के अंदर हाई ऑक्सीजन हो गया और लो साइटोकाइनिन, तो फेवर करेगा रूट्स को, रूट्स को, ना सूट को, ना बड को, ना फ्लोर को, वो करेगा रूट को। नेक्स्ट है प्रेशर हाँ ये थोड़ा मिस टाइपिंग है यहाँ पर, प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का प्रीकर्सर क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन भी नहीं है, एथेन भी नहीं है, इथियोनिन भी नहीं है। इसका जो इथिलीन इथिलीन होता है उसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेंज एनाटोमी इज सीन इन राइस, अमरेंथस, पाइनएप्पल और बी एंड सी। अमरेंथस एंड पाइनएप्पल नोट, ये सिर्फ अमरेंथस के अंदर पाई जाती है क्रेंज एनाटोमी, ये प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट एन इंटरनेशनल पेस्ट, इंटरनेशनल पेस्ट कौन सा है इनके अंदर, हेलिकोवर्पा, स्पोडोप्टेरा, इसका सिस्टोसेरा, नेक्स्ट है पैक्टिनोफोरा। तो जो इंटरनेशनल पेस्ट है एक तो हेलिकोवर्पा और एक है सिस्टोसेरा, मतलब जो ये शायद उसके टिड्डे के हैं दोनों, साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है हेलिकोवर्पा और मिजरा अलग है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री ऑफ सेल इज गोल्जी बोर्ड, क्लोरोप्लास्ट, सीधा सिंपल है क्लोरोप्लास्ट होता है कार्बोहाइड्रेट की फैक्ट्री। नेक्स्ट है इन फोटो रेस्पायरेशन NH3 इवोल्यूशन टेक प्लेस एट, फोटो रेस्पायरेशन पर NH3 का इवोल्यूशन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, साइटोसिल में, न्यूक्लियस में, बोथ एंड बी। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर इसका NH3 का एवोल्यूशन होता है फोटो रेस्पायरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट क्या है, कौन सा है इनमें से। तो टोटल रूट पैरासाइट कस्कुटा, कस्कुटा लोरेंथस, सेंटेलम और रफलेसिया। टोटल रूट पैरासाइट रफलेसिया चेक करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स इज, जो पार्ट कोलाइड्स की पार्टिकल साइज होती है 1 to 100 इन mm, सोयल कोलाइड्स की माइक्रोन के अंदर इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो शायद लेस देन 0.0002 mm होता है। नेक्स्ट है टर्म जेनेटिक्स वाज कोइन बाय जॉनसन, बेटसन, पुनेट और मॉर्गन। तो जो टर्म है जेनेटिक्स वो कोइन की थी बेटसन ने, और जो जेनेटिक्स के फादर है वो मेंडल हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 50S एंड 20S, 40S एंड 30S, 60S एंड 40S एंड 50S एंड 30S। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है परमिएबल, नॉट नॉन परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल और पार्शियली परमिएबल। तो वो है एक सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो है मल्टीपल एलील्स का एक एग्जांपल है, लिंकेज प्लियोट्रॉपी और ओवर डोमिनेंस भी इसमें दे रखे हैं,
लेकिन ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है डैश डैश इज ए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, तो इनमें से कौन सा है जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, बर्डनेस और नन ऑफ दीज। तो इसका आएगा सी, थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इज, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन बी डीएनए, जो कि पाई जाती है मोस्टली कॉमन फॉर्म है डीएनए की, ए डीएनए भी नहीं है, सी भी नहीं है, जेड भी नहीं है, बी डीएनए। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, कंटिन्यूस और कंजर्वेटिव। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन, आंसर आएगा इसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वेराइटी कौन सी, वो H4 है, वारा लक्ष्मी भी नहीं है, वरुणा भी नहीं है, जय लक्ष्मी भी नहीं है। इसकी जो फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वेराइटी वो H4 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड आर टू बी बैन फॉर यूज इन एग्रीकल्चर विद द इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2020। फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड 31 दिसंबर 2020 है ना, इसके अंदर है सारे हर्बिसाइड बैन किए जाएंगे। इनमें से जो दिख रहे हैं 2020 के बाद में कौन कौन से हैं, फॉस्फेमिडोन, फोरेट, ट्राइजोफॉस, डाइक्लोरोवॉस, एलाक्लोर और ट्राइकोफोन, ये सारे हर्बिसाइड बैन किए जाएंगे। शायद मीडियम रेंज फोरकास्ट आर फॉर ए पीरियड ऑफ, वो होती है 3 days to 2 weeks, जो मीडियम रेंज की फोरकास्टिंग होती है वो 3 दिन से लेकर 2 वीक तक की होती है। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज एज लोडिंग प्रिवेंटर, वो है क्लोरमेक्वाट, साइकोसिल को लोडिंग प्रिवेंटर के रूप में भी यूज किया जाता है, ए बी ए, एब्सिसिन, ए भी नहीं है, एन ए भी नहीं है, ग्लाइफोसेट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ सोइल, वो स्पेसिफिक हीट होता है जो सोइल का वो होता है 0.2 कैलोरी पर ग्राम, ये ड्राई सोइल का है एक्चुअली। नेक्स्ट आइडेंटिफाई विच इज फॉलोइंग क्रॉप नॉट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन सोइल एयर कंपेयर टू द अदर क्रॉप्स, वो है राइस। राइस को बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि वो वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर ग्रो होती है, इसको 10% से भी कम इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जबकि अदर क्रॉप्स को एक मतलब ग्रो करने के लिए 10 से अबव चाहिए। नेक्स्ट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिलेटेड टू द फैक्टर सोइल कलर, वो है कौन सा, इसके अंदर देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, उनमें से सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनोमेटिक, डार्क ब्राउन और ब्लैक। पहले क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिव बिलो रिलेटेड टू फैक्टर सोइल कलर, सोइल कलर से कौन सा, ये इनमें से जो टर्म दे रखे हैं उनसे कौन सी सही है सोइल कलर से जो रिलेटेड है। फर्स्ट है ऑर्गेनोमेटर, ऑर्गेनोमेटर की वजह से डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर होता है सोइल का, फर्स्ट चीज। सेकंड है सिल्का एंड लाइम, वाइट और ग्रे, ये गलत है, वाटरलॉग्ड, ग्रीनिश और ब्लू। चौथा है साल्ट, वाइट और ब्ले, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। फर्स्ट है ए ओनली, सेकंड है ए एंड बी ओनली, थर्ड है ए बी सी ओनली, और सिलिका लाइम, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डार्क ब्राउन कलर होता है, बट जो साल्टी सोइल होती है वहाँ वाइट होती है लेकिन ब्लैक नहीं होती है, वाटरलॉक्ड कंडीशन के अंदर ग्रीनेस होता है लेकिन ब्लू नहीं होता है। चलो हाँ, इसके अंदर ए सही आएगा, डार्क ब्राउन और ब्लैक। नेक्स्ट है सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ बोरोन इन सोइल, तो बोरोन कंटेनिंग मिनरल इसके अंदर टोरमेलिन, फेल्सपार भी नहीं है, एपेटाइट भी नहीं है, ये सारे फास्फोरस पोटास के, स्प्लेराइट भी नहीं है, टोरमेलिन इसका बोरोन कंटेनिंग मिनरल है। नेक्स्ट है मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज, क्रिटिकल स्टेज फॉर ग्राउंडनट क्रॉप इज, तो वो है सिल्किंग है, फॉर्मेटिव स्टेज है, पेनिकल इनिशिएशन है या पेगिंग है। तो जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज है ग्राउंडनट के अंदर, वो है पेगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस इज, कितने दिन होने चाहिए उसके लिए, 30 to 45, 15 to 35 और 15 to 45 डेज होने चाहिए इसके लिए।
क्रिटिकल पीरियड फॉर वीट कंपटीशन ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस 15 से लेकर 45 दिन। नेक्स्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ब्लैक ग्राम वो 30 से 45 दिन, इसके अंदर हो चाहिए ब्लैक ग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंपटीशन ऑफ ट्रांसप्लांटेड मेज, मेज के अंदर होना चाहिए 15 से 35 दिन, और रागी के अंदर होना चाहिए 25 से 45 दिन, और सोरगम की क्रॉप के लिए होना चाहिए 15 से 35 दिन। सभी में सेम सा क्वेश्चन है, बस डेज है जो रागी के अंदर था 25 से 45, और सोरगम के अंदर है 15 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पल्सेज फॉर सेफ स्टोरेज, तो 10% कम से कम होना चाहिए सेफली स्टोरेज करने के लिए। इंडियाज मेन रिवर इन टी एक्सपोर्ट इज, वो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी एस्टाब्लिश्ड, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी एस्टाब्लिश्ड हुई थी जुलाई 2000 के अंदर, जुलाई 2000, मार्च 2002 में भी नहीं हुई, 2004 में भी नहीं हुई थी, जुलाई 2000 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज माइक्रो इरिगेशन लॉन्च, तो माइक्रो इरिगेशन कब लॉन्च हुई थी, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मार्च 2002 में, मार्च 2004 में, नेक्स्ट है जनवरी 2004 में या जनवरी 2006 में। तो जो माइक्रो इरिगेशन लॉन्च हुआ था वो होता जनवरी 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम्स फॉर द फार्मर्स, फर्स्ट ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एस एच जी सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, और थर्ड है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और फोर्थ है एम्प्लॉय रेफरल स्कीम्स। तो यही है एम्प्लॉय रेफरल स्कीम्स है वो वेलफेयर स्कीम्स फॉर द फार्मर से बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था वो किसने अनाउंस किया था, तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, पहले वाले राष्ट्रपति, फॉर्मर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अनाउंस किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रणब मुखर्जी ने, मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, पी चिदम्बरम ने भी नहीं, अरुण जेटली ने भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल, इनमें से कौन से क्रॉप है जो सीरियल नहीं है, वो राइस है, वीट भी है, ग्राम ये है, लेग्यूमिनेसी क्रॉप ये सीरियल नहीं है, मेज भी है। नेक्स्ट है विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए बैकबोन है सर्विस सेक्टर नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी में एक बैकबोन सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विच विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ये फर्स्ट लिस्ट है इसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ये सेकंड लिस्ट है फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर। तो कॉटन किसके अंदर है, ग्राम किसके अंदर है, ब्लैक पेपर किसके अंदर है, पाइनएप्पल किसके अंदर है, तो जो कॉटन है वो गुजरात इसके अंदर सबसे ऊपर है, और जो ग्राम है ग्राम उसके अंदर मध्य प्रदेश एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और जो ब्लैक पेपर है वो केरला के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और जो पाइनएप्पल है वो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इन इंडिया इज इरीगेशन डन बाई टैंक्स, टैंक्स के द्वारा इरीगेशन कहाँ की जाती है इंडिया के अंदर, वो किया जाता है कर्नाटका में भी टैंक्स के द्वारा इरीगेशन किया जाता है, तमिलनाडु में भी किया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, इसके अंदर चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्रॉप इज द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी, तो वो है मिलेट, जो कि मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर है सोलर एनर्जी को, कैन भी नहीं है, पैडी भी नहीं है, वीट भी नहीं है, मिलेट है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्रॉप थिकनेस इज हाईएस्ट इन विच स्टेट, तो जो क्रॉप थिकनेस है वो हाईएस्ट कौन से स्टेट के अंदर है,
वो आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। जो क्रॉप थिकनेस हाईएस्ट है इंडिया के अंदर वो है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ दी व्हीट इज़ हाई यील्डिंग। इनमें से कौन सी वेराइटीज है व्हीट की जो सबसे ज़्यादा यील्ड देने वाली है? जया, जगन्नाथ, सोनालिका, IR8 और ABC। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी है वो है सोनालिका, जया वगैरह, IR8 वगैरह, ये चावल की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट है, इसबगोल इज एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसबगोल एक इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है इनमें से कौन से स्टेट की? तो मध्य प्रदेश में भी नहीं होता इसबगोल इतना। नेक्स्ट है, हरियाणा में भी नहीं होता, राजस्थान में भी नहीं होता। इसबगोल सबसे ज़्यादा होता है गुजरात के अंदर, राजस्थान में होता है बट इतना नहीं होता, गुजरात उसके अंदर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी लास्ट फ्यू ईयर्स मैक्सिमम सेट बैक टू पोल्ट्री इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू, वो है रानीखेत डिजीज़ की वजह से, मार्स डिजीज़ की वजह से भी नहीं हो, सिर्फ रानीखेत डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाई यूजिंग दी। ये पहली लिस्ट है, ये सेकेंड लिस्ट है, एक के अंदर क्रोप है और सेकेंड के अंदर जियोग्राफिकल कंडीशंस है। तो इसके अंदर बारले कौन से कंडीशन के अंदर होता है, राइस कौन से कंडीशन के अंदर होता है, मिलेट कौन से के अंदर होता है, टी कौन से कंडीशन के अंदर। जो बारले है वो कूल क्लाइमेट विथ पुअर सोइल के अंदर होता है, जो बारले होता है वो उसके लिए ठंडी क्लाइमेट चाहिए और पुअर सोइल चाहिए। और जो राइस होता है वो हॉट क्लाइमेट एंड मोइस्ट क्लाइमेट दोनों के अंदर, हॉट के अंदर भी और मोइस्ट क्लाइमेट वाली सोइल के अंदर ही आराम से हो जाता है। और जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स मोनली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स दोनों के अंदर और पुअर सोइल चलेगी उसके अंदर। और जो टी है उसके लिए वार्म एंड मोइस्ट क्लाइमेट विथ हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे ये होता ही है सभी को पता है, और वार्म और मोइस्ट क्लाइमेट चाहिए टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर दी मिलियन वेल्स स्कीम MWS करंटली अंडर प्रैक्टिस, ए फार्मर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन अवेल दी बेनिफिट्स ऑफ ओपन वेल्स फॉर इरीगेशन पर्पज। तो इसके अंदर एनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अमंग गेस्ट SC और ST, जो SC और ST का जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो इस स्कीम का शायद बेनिफिट्स ले सकता है। नेक्स्ट है, ए क्रॉप वैल्यू फॉर इट्स ऑयल एज वेल एज इट्स प्रोटीन कंटेंट इज, वो है ग्राउंडनट, जिसके अंदर ऑयल भी होता है और प्रोटीन कंटेंट भी होता है वैल्यूएबल। कोकोनट में भी इतना नहीं होता है, ऑयल होता है उसमें, एरेकोनट में नहीं होता है, हेजलनट पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी। हाई यील्डिंग इसमें अपनाई गई थी, वेराइटीज ऑफ द सीड्स ये भी अपनाई गई थी, फर्टिलाइजर भी काम में ले गए थे, इरीगेशन क्रॉप इंश्योरेंस ये नहीं लिया गया काम में। ऊपर की जो तीनों है वो काम में आई थी ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटजी के अंदर, बट इरिगेशन क्रॉप इंश्योरेंस नहीं काम में, मतलब नहीं था ये यूज में। नेक्स्ट है, केटल बोन पाउडर इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एट इट इज़ रिच इन, केटल बोन पाउडर फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है, सोडियम भी नहीं होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है, क्रॉप्स लाइकली कवर्ड अंडर दी न्यू कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वुड बी, तो क्रॉप लाइक कवर्ड अंडर दी न्यू कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वुड बी, फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स। तो इसके अंदर आएगी क्रॉप्स लाइकली कवर्ड अंडर दी न्यू कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वो आएगी कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट वॉज ओपन बाई, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट वॉज ओपन बाई फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो वो है मदर डेयरी भी नहीं है, एरे डेयरी भी नहीं है, अमूल डेयरी है और किसान डेयरी भी नहीं है, आनंद अमूल डेयरी है, जो जिसने फर्स्ट रोबोटिक डेयरी प्लांट ओपन किया था फॉर मिल्क के और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है, एट इंटरनेशनल लेवल टू ऑब्टेन सस्टेनेबल प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्क, इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, वो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
यूएनओ भी नहीं, डब्ल्यूएचओ भी नहीं, और आईआरआर ही तो इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है इन रेस्पेक्ट टू एनिमल फीड विच इज ए फीड एनर्जी, वो है ऑयल केक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स आर प्रमोटेड बाई विच इंस्टीट्यूट, एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स आईएआरआई के द्वारा भी नहीं होता है, एनडीए के भी नहीं, क्रिसेट के भी नहीं, और आईसीएफआरई के द्वारा ये प्रमोटेड होता है एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्री इज यूज फॉर टिम्बर, ग्रीन मैन्यूर एंड फायर वुड, एक ही ट्री है, तीन काम कर रहा है, वो है सिल्वर ओक। मलबेरी भी नहीं है, जैक फ्रूट भी नहीं है, करंज भी नहीं है, टिम्बर, ग्रीन मैन्यूर और फायर वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेराइटी सफ़ेद वेलची बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स, नया क्वेश्चन है कुछ है। सफ़ेद वेलची वेराइटी है वो किससे बिलोंग करती है, वो बनाना से, केले से बिलोंग करती है, पपाया की भी नहीं है, क्लो की भी नहीं है, साइनामोन की भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एनिमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट डन थ्रू इट्स पॉसिबल, कौन सा एनिमल है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कर सकते उसके अंदर, वह पोल्ट्री ब्रीडिंग के अंदर, सीप के अंदर हो सकता है, पिक के भी, गोट भी पोल्ट्री में नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रेटिस्थान इज द वेराइटी ऑफ, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान ये वेराइटी, प्रतिष्ठान किसकी वेराइटी है, सपोटा चीकू की भी नहीं है, प्लम की भी नहीं है, मैंगो की भी नहीं है, ये तमरिंड क्या होता है इसकी वेराइटी है प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ स्पेशल ग्रेड एग, तो स्पेशल ग्रेड एग होता है उसका 53 किलो वजन होता है। नेक्स्ट है विच इज द एंटागोनिस्टिक प्लांट, एंटागोनिस्टिक प्लांट कौन सा है, वो है नीम भी एक एंटागोनिस्टिक प्लांट होता है, मस्टर्ड भी होता है, मेरीगोल्ड भी होता है, इसमें ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर इन कॉटन प्लांट ड्यू टू द विच पिगमेंट, जो रेड कलर होता है कॉटन प्लांट के अंदर वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से भी नहीं होता है, कैरोटीनॉइड्स तो गाजर के अंदर होता है, क्लोरोफिल साइड टोमेटो के अंदर, जो रेड कलर होता है कॉटन के अंदर वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। और नेक्स्ट है एनआरसी फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, वो है झारखंड के अंदर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री वो है झांसी के अंदर, सॉरी झारखंड का नाम आ गया, झांसी के अंदर। नेक्स्ट है एनी प्लांट दैट टॉलरेंट्स और थ्राइव इन एन एसिडिक सोइल कॉल्ड ऑक्जिलोफाइट्स, ये क्वेश्चन आपकी बार जीआरएफ एग्रोनॉमी 2018 के अंदर आया। एनी प्लांट्स दैट टॉलरेंट्स और थ्राइव्स इन एन एसिडिक सोइल कंडीशन, वो होता है ऑक्जिलोफाइट्स, हेलोफाइट्स भी नहीं होता, लिथोफाइट्स भी नहीं होता, लिथोफाइट्स वो होते हैं जो रॉक्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है रत्ना इज द क्रॉस ऑफ द विच पेरेंट्स, वो नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है रत्ना, तोतापुरी और कसानी का भी नहीं है, दशहरी नीलम का नहीं है, ये है नीलम और अल्फांसो से बनी है रत्ना वेराइटी, इसको जो शॉर्ट ट्रिक याद करने की वो NAR है, नीलम अल्फांसो रत्ना NAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एक्सेलेंट हाई प्रोटीनिशियस, मतलब 40% अप्रोक्सीमेटली फीड इन रूमिनेंट्स, वो कॉटन सीड के अंदर 40% होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश यूज्ड फॉर फिश कल्चर इन पेडी फील्ड्स, पेडी फील्ड के अंदर कौन सी नॉर्मली फिश यूज की जाती है, वो है कटला भी यूज की जाती है, रागू भी यूज की जाती है, मृगनल और कटला दोनों यूज की जाती है, इसमें अंदर चारों ऑप्शन आ सकते हैं, चारों जो तीनों वैरायटी है कटला रघु और मृगनल वैरायटी फिश की है ये स्पीसीज जो इसके अंदर यूज की जाती है पेडी फील्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज फॉर फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर करता है मध्य प्रदेश में भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, वो है लक्षद्वीप स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करता है इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2017 के अंदर, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द वेराइटी ऑफ
मैंड्रीन ऑरेंज, मैंड्रीन ऑरेंज की वैरायटी नहीं है। नागपुर संतरा भी है, खासी संगत भी है, कुर्ग संतरा भी है, इसकी जो वैरायटी है, वैरायटी नहीं है, वो है सतगुदी संतरा। सतगुदी संतरा इसकी वैरायटी है ही नहीं मैंड्रीन ऑरेंज की। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ दी विच, तो जो वेजिटेबल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स कंटेंट भी नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मतलब इतने नहीं जितना विटामिन और मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स नोन एज एप्पल बॉल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर ना 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 होते हैं लेकिन इतने एप्पल एप्पल बॉल ऑफ इंडिया वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICPH8 इज़ द हाइब्रिड ऑफ क्रॉप, वो है तुरका, तुर की वैरायटी है ICPH, RR भी बोलते हैं शायद इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ट्री बर्ड्स आर, पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं नॉन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स नहीं होते हैं, सिंगल स्टोमेच भी नहीं होते हैं, ये होते हैं नॉन रूमिनेंट्स। नेक्स्ट है एरिया इज अंडर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इन इंडिया, तो जो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन के अंदर एरिया आता है इंडिया का वो है 1000 हेक्टेयर। नेक्स्ट है पर एनम एरिया अंडर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इंक्रीज ऑफ, पर एनम एरिया अंडर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इंक्रीज ऑफ 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल रेगुलेशन ऑफ माइक्रो क्लाइमेट इन द ग्रीन हाउस विल मिनिमाइज द क्रॉप लॉस ड्यू टू दी, वो होता है अबायोटिक स्ट्रेस की वजह से, बायोटिक स्ट्रेस की वजह से, नेचुरल फेनोमेनन की वजह से, या इंसेक्ट या डिजीज की वजह से। तो जो पार्शियल रेगुलेशन होता है ऑफ माइक्रो क्लाइमेट इन द ग्रीन हाउस विल मिनिमाइज द क्रॉप लॉस ड्यू टू द एबायोटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है IIHR इज एस्टेब्लिश्ड एट बेंगलोर, IIHR एस्टेब्लिश्ड होता बेंगलोर में। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द सीजनलिटी बैरियर फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन इन टेम्परेट रीजन, फर्स्ट ऑप्शन है इसका लो टनल कल्टिवेशन, सेकेंड है प्लास्टिक कल्चर, थर्ड है हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स कल्टिवेशन, फोर्थ है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, किसका, ब्रेकिंग द सीजनलिटी बैरियर फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन इन टेम्परेट रीजन, वो होता है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन अंडर द फॉलोइंग, वो होती है ग्रीन हाउस के अंदर भी होती है, प्लास्टिक टनल में भी होती है, सेड नेट हाउस में भी होती है, वॉल्क इन टनल्स एंड नेट्स कल्टिवेशन में, कल्टिवेशन में इन सब में होती है, नेट्स वगैरह में, वॉल्क, सीड नेट्स, प्लास्टिक, ग्रीन हाउस, सभी के अंदर ऑल ऑफ दी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस कवर कल्टिवेशन अंडर द फॉलोइंग, सरफेस कवर वो प्लास्टिक मल्चिंग, सोइल सोलराइजेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, तो इसके अंदर प्लास्टिक मल्चिंग भी आएगा और सोइल सोलराइजेशन भी आएगा, तो इसमें आएगा थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्ड फ्रेम स्ट्रक्चर्स कवर विथ यूवी स्टेबलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म्स एंड दे आर क्रिएटिंग द न्यू कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन इज नोन एज ग्रीन हाउस। फ्रेम स्ट्रक्चर कवर्ड विथ यूवी स्टेबलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म्स एंड दे आर क्रिएटिंग द न्यू कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, ही ग्रीन हाउस की डेफिनेशन है, नेट हाउस भी नहीं, ये नहीं होगा। राजा राम मोहन राय इज ए वेराइटी ऑफ रोज क्लासिफाइड अंडर विच ग्रुप, जो राजा राम मोहन राय जो रोज़ की वेराइटी वो कौन से ग्रुप के अंदर क्लासीफाई की है, वो ST ग्रुप के अंदर की गई है, फ्लोरिडा में भी नहीं है, पोलीमत में नहीं है, ST ग्रुप के अंदर ये क्लासिफाई की गई है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसेंथेमम चार्म इज ए वेराइटी ऑफ, वो है मेरी गोल्ड की, क्राइसेंथेमम चार्म मेरी गोल्ड की वेराइटी है। नेक्स्ट है कार्नेशन क्या है, कार्नेशन है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। नेक्स्ट है सिम्बीडियम ऑर्चिड, वो है लिथोफाइट है, लिथोपाइट। नेक्स्ट है हीलिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, हीलिंग किसके अंदर की जाती है, कौन से फ्लावर के अंदर, कार्नेशन में भी नहीं होती है, ग्लेडियोलस के अंदर ये होती है हीलिंग की प्रैक्टिस, जरबेरा में भी नहीं होती है, रोज में भी नहीं होती है, हीलिंग होता है ग्लेडियोलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गार्डन इज रिगार्डेड एज जेनेसिस ऑफ गार्डन, वो है ईडन गार्डन। नेक्स्ट है दिलकुश गार्डन ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाई, जो दिलकुश गार्डन है लाहौर में बनाया वो जहांगीर ने बनवाया था, शाहजहां ने नहीं बनाया, वो बनाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग स्टार्टेड एट IRI इन इन ईयर ऑफ डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग स्टार्टेड एट IRI इन ईयर ऑफ वो हुआ था 1983 के अंदर 1983 के अंदर डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग IRI में हुआ था स्टार्ट 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बीपी पाल इज ए वेराइटी ऑफ जो डॉक्टर बीपी पाल वेराइटी है वो बोगन विलिया की वेराइटी है। नेक्स्ट है कोंकण तेज इज द वेराइटी ऑफ जो कोंकण तेज वेराइटी वो नट मैग की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटे डिजीज एसोसिएट विथ जो कटे डिजीज है वो कार्डामोम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एक्सपेंसिव स्पाइस क्रॉप जो वर्ल्ड एक्सपेंसिव स्पाइस क्रॉप है वो है सेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है GC1 इज ए वेराइटी ऑफ विच स्पाइस तो वो क्यूमीन के जीरे की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट नॉन स्पाइस वो है साइनामोन ओल्डेस्ट नॉन स्पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए डायोसियस वो है चिल्ली भी नहीं है एस्फोइटिडा भी नहीं है जूनिपर जूनिपर है वो डायोसियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज सेल्फ पोलिनेटेड जूनिपर भी नहीं है चिल्ली भी नहीं है करी लीफ है वो सेल्फ पोलिनेटेड है। नेक्स्ट है फेनल सेप्ड स्टिग्मा पर्जेंटिन जो फेनल सेप स्टिग्मा होता है वो होता है सेफ्रॉन में। ऑल स्पाइस इज वो जो सर ऑल स्पाइस है वो है सिंगल सीडेड बेरी डबल सीडेड बेरी ड्रूप या नॉन जो सभी स्पाइसेस है वो डबल सीडेड बेरी है फ्रूट टाइप बोल रहा है शायद। नेक्स्ट है कोकम कम्स अंडर फैमिली जो कोकम है वो एलिएशिया में नहीं आता है इरिडियशी में भी नहीं आता है ये आता है गटी फेरी के अंदर फाबिसी में भी नहीं आता है कोकम। नेक्स्ट है सेलोट प्रोपोगेटेड बाई जो सेलोट है वो प्रोपोगेटेड किया जाता है बल्ब के थ्रू होता है ये प्रोपोगेटेड। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिरा लीव्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ जो रेगिरा की जो लीव्स होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककरोल कौन सा प्लांट है वो है मोनोसियस एंड्रोमोनोसियस डायोसियस और गायनोडायोसियस तो जो ककरोल है वो है कि डायोसियस। नेक्स्ट है विवीपेरस जर्मिनेशन जो विवीपेरस जर्मिनेशन होता है वो कोको में होता है। नेक्स्ट है निशा इज वेराइटी जो निशा है वो बैंगन की वेराइटी है ब्रिंजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी इज ए वेराइटी ऑफ जो स्ट्रॉबेरी है वो रुबाब की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुतिया सेक्स फॉर्म जो सतपुतिया सेक्स फॉर्म पाई जाती है वो हर्मेफ्रोडाइट सतपुतिया में जो सेक्स फॉर्म होती है वो हर्मेफ्रोडाइट टाइप की होती है। नेक्स्ट है श्री सहिया इज ए वेराइटी ऑफ जो श्री सहिया वेराइटी है वो है टोपियोका की। नेक्स्ट है अर्केल इज इन इंट्रोड्यूस फ्रॉम जो अर्केल इंट्रोड्यूस हुआ है वो UK से। नेक्स्ट है विच वेराइटी ऑफ ग्रेप्स कमर्शियली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया वो है परलेटी ग्रेप्स की परलेटी वेराइटी जो नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली ग्रोन की जाती है कमर्शियली कल्टिवेशन होता है उसका। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गवावा का सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर प्रोडक्टिविटी है वो UP में भी नहीं है महाराष्ट्र में नहीं है गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी भी वहीं की है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन ग्रेप्स तो ग्रेप्स के अंदर पेनिकल टाइप का होता है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टाइल वेराइटी ऑफ पियर जो सेल्फ स्टाइल वेराइटी है पियर की वो है पत्थरनाक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इन लोकवाट वो है गेमिटोफाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट इज ऑटो हेक्साप्लोइड कौन सा फ्रूट है जो ऑटो हेक्साप्लोइड होता है वो है कीवी फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ कस्टर्ड एप्पल जो कस्टर्ड एप्पल है उसका ओरिजिन हुआ है ट्रॉपिकल अमेरिका से
ओरिजिन ऑफ कस्टर्ड एप्पल वो ट्रॉपिकल अमेरिका से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली सेड टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, जो हाईली सेड टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है, कीवी भी नहीं है, रामबुटान भी नहीं है, करम्बोला भी नहीं है, सॉरी करम्बोला ही है, ड्यूरियन नहीं है, करम्बोला है, हाईली सेड टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है ये। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन सिट्रस, तो नॉन रिकरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ कीवी फ्रूट, जो कीवी फ्रूट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 58। नेक्स्ट है एफिड रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ द ब्रिंजल, ब्रिंजल की एफिड रेसिस्टेंट वेराइटी है वो है अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ टोमेटो, टोमेटो के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं वो है 24। नेक्स्ट है चैलेंजर इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, वो है लीमा बीन के, और फाइटिक एसिड ए टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बीन, फैटिक एसिड सब टॉक्सिक सब्सटेंस जो बीन्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो का ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है। नेक्स्ट है कोलियस इज कॉमनली नोन एज, जो कोलियस है वो चाइनीज पोटेटो भी कहलाता है और होसा पोटेटो भी कहलाता है। नेक्स्ट है अमरेंथस इज ए, तो अमरेंथस एक C4 प्लांट है, वीड है। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ एनुअल मोरियांगा, तो जो एनुअल मोरियंगा उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड्स के थ्रू होता है, ना कटिंग से होता है ना सकर से होता है। द वेजिटेबल्स हाईली रिच इन विटामिन ए, कौन सी वेजिटेबल है इन चारों में से जो कि हाईली रिच है विटामिन ए के लिए? टर्निप लीव, जो टर्निप की जो लीव्स होती है वो सबसे ज़्यादा उनमें विटामिन ए पाया जाता है, कैरेट में भी नहीं होता है, मोरियंगा में भी नहीं होता, पम्पकिन में भी नहीं होता है। नेक्स्ट है अर्का सुमन इज ए वेराइटी ऑफ, अर्का सुमन किसकी वेरायटी, वो काउपी की है, फ्रेंच बीन की भी नहीं है, काउपी की वेरायटी होती है अर्का सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल ऑफ ब्लैक पेपर कंसिस्ट मेनली, जो ब्लैक पेपर का ऑयल है वो होता है टर्पिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनालूल इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट प्रजेंट इन, वो लिनालूल एक इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट होता है जो पाया जाता है कोरिएंडर के अंदर। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर ऑफ जिंजर, जो जिंजर होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 22। नेक्स्ट है ब्रेजा सिस्टम, दिस टर्म्स एसोसिएटेड विथ, जो ब्रेजा सिस्टम टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, वही है बीटल वाइन से, ब्रेजा सिस्टम ब्लैक पेपर से भी नहीं है, स्पाइस से भी नहीं है, नटमार्क से, यह है बीटल वाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदरिंग एंड स्क्रैप्ड चिम्स इज द इम्पोर्टेंट ग्रेड्स ऑफ साइनामोन, द बाइटिंग टेस्ट ऑफ ब्लैक पेपर इज बिकॉज ऑफ, जो बाइटिंग टेस्ट होता है ब्लैक पेपर का वो होता है पाइपर राइन के कारण, पाइपर राइन। नेक्स्ट है अर्का संजीवनी जो वेराइटी ऑफ, अर्का संजीवनी वो किसकी वेराइटी है, वो मेडिसिनल सोलेनम की वेराइटी है अर्का संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचोली हैज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वो है लैक्सेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन टॉनिक प्रिपेयर फ्रॉम, तो स्किन टॉनिक प्रिपेयर किया जाता है इन ऑप्शन में, यम में भी, यम से भी नहीं होता है, मेडिसिनल यम से भी नहीं होता, ना नीम से होता, वो होता है मोस्टली एलोए से स्किन टॉनिक। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ मिंट, जो मिंट की फैमिली है वो लेबियसी लेबेटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेजर टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी ग्राफ्ट्स एंड सीडलिंग्स एंड हार्डनिंग फॉर वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इज नोन एज सेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस की डेफिनेशन पहले आ गई थी, अब ये सेडनेस हाउस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ए मिनिएचर स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस लाइक इफेक्ट, वो कहा जाता है प्लास्टिक टनल्स, है ना। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर यूज्ड इन ग्रीन हाउस, जो फ्लोरोसेंट लैम्प्स है वो यूज किए जाते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर गार्लिक कल्टिवेशन, गार्लिक के कल्टिवेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल सोइल है वो है लोमी सोइल भी नहीं है, सेंडिलोम लोम और क्ले लोम, जो गार्लिक के लिए वो सेंडिलोम सबसे ज़्यादा सुटेबल सोइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज प्लांटिंग डिस्टेंस आर इंटू पी ऑफ गवावा, जो एवरेज प्लांटिंग डिस्टेंस है गवावा के लिए वो है 6 सेंटीमीटर, और सॉरी 6 मीटर, 5 मीटर भी नहीं है, 8 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर भी नहीं है, इसके लिए जो गवावा के लिए प्लांटिंग डिस्टेंस है वो होती है 6 मीटर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप हैज़ द हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी, इनमें से कौन सी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फील्ड कैपेसिटी होती है, लोम, सेकेंड है सिल्टिक लोम, थर्ड है क्ले लोम, फोर्थ है क्ले। तो सबसे ज़्यादा होती है जिसकी फील्ड कैपेसिटी हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी होती है क्ले की। नेक्स्ट है द ट्रेड नेम ऑफ फोरेट, जो फोरेट है उसका ट्रेड नेम क्या है, टेमिक है, थायोडान है, फोरटॉक्स है या मेटासिस्टोक्स है। जो फोरेट होता है उसका जो ट्रेड नेम होता है फोरटॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी स्प्रेयर्स आर क्लीन बिफोर यूज बाई, जो स्प्रेयर्स तो क्लीन किए जाते हैं यूज करने से पहले, वो 1% क्लोरीन वाटर से, 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, 1% अमोनिया वाटर से या 1% ब्रोमीन वाटर से। जो स्प्रेयर्स क्लीन किए जाते हैं वो 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के सॉल्यूशन से वो साफ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी साइनोगस पंप इज एन, जो साइनोगस पंप होता है वो क्या होता है, डस्टर, फ्यूमिगेटर, स्प्रेयर या इमल्सीफायर। जो साइनोगस पंप होता है वो इमल्सीफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मेन रीजन ऑफ आयरिस फेमाइन इन पोटेटो वाज, वो किसके कारण हुआ था, लेट ब्लाइट डिजीज की वजह से, सेकेंड ऑप्शन है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज की वजह से, थर्ड है ब्लास्ट डिजीज की वजह से या फोर्थ है ईयर कोकल डिजीज की वजह से। जो आयरिस फेमाइन आया था वो आया था लेट ब्लाइट डिजीज की वजह से, जो पोटेटो में होती है, ये शायद 1943 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर सोविंग ऑफ सीड विथ फर्टिलाइजर टुगेदर एट ए टाइम इज सीड ड्रिल, डिबलर, सीड सोविंग बिहाइंड प्लोविंग और फोर्थ है फर्टिकम सीड ड्रिल। तो इसका ऑप्शन है जो आंसर होगा वो होगा डी, फर्टिकम सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ट्रीटमेंट इज डन टू कंट्रोल, तो फर्स्ट ऑप्शन है सोयल बोन डिजीज, एयर बोन डिजीज, सीड बोन डिजीज। तो जो सीड बोन डिजीज होती है उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज, जो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो काउपी है, फील्ड पी है, गार्लिक है या लॉन्ग मेलन है। जो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो है काउपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल, इनमें से कौन सी डेयरी ब्रीड डेयरी ब्रीड नहीं है, फर्स्ट है साहिवाल, ये भी है, नेक्स्ट है सिंधी भी है, नागौरी भी है, ऑल ऑफ दीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल, चारों ही नहीं है। स्टोर्ड ग्रेन्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज इफ़ द ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली 10% या कम या ज़्यादा, या फिर 10% या नन ऑफ दीज, या इसके अंदर ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। स्टोर्ड ग्रेन्स कैन बी सेव फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज इफ़ द ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट इज, इसके अंदर ऑप्शन होगा 10% के आसपास होना चाहिए, नॉट नन ऑफ दीज, 10% होना चाहिए स्टोर ग्रेन पेस्ट के लिए मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड हैज़ बीन बैन इन इंडिया, रोगर, डीडीटी, मेटासिस्टोक्स, क्रोनवॉय, डीडीटी जो बैन हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सेज फिट वेल इन क्रॉपिंग सिस्टम एज दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, मॉइस्चर स्ट्रेस रेसिस्टेंट क्रॉप्स। तो होती है मॉइस्चर स्ट्रेस रेसिस्टेंट क्रॉप्स, पल्स फिट वेल इन क्रॉपिंग सिस्टम एज दे आर, होती है मॉइस्चर स्ट्रेस रेसिस्टेंट क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट इजे, वीट क्या है, वो कैश क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, कवर्ड क्रॉप है या नन ऑफ दीज, सिंपली ये सीरियल क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमन शुगर कैन इज प्लांटेड इन मंथ ऑफ, ऑटोमन शुगर वो प्लांटेड होता है कौन से मंथ में, फेबररी मार्च में, जुलाई के अंदर, अक्टूबर के अंदर, दिसंबर के अंदर। तो ये होता है अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट फॉर टाइमली सोन वीट इज़, तो जो सीड रेट है टाइमली सोन वीट के लिए 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो वह 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए होती है अगर अपन टाइमली वीट की सोविंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन वीट फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो है CRI, फ्लोवरिंग, मिल्क और डफ
जो सबसे क्रिटिकल स्टेज है वो है क्राउन रूट इनिशिएशन फर्स्ट वाली CRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ व्हीट इन उत्तर प्रदेश। फर्स्ट है PBW 343, नेक्स्ट है UP 2338, थर्ड है K7903, फोर्थ है K9107। जो इसका आंसर आएगा वो बी वाली UP 2338। नेक्स्ट क्वेश्चन है KPG 59 उदाई इज ए वेराइटी ऑफ फील्ड पी की है, वेजिटेबल पी की है, लेंटिल की है, ग्राम की है। तो ये जो वेराइटी है वो है ग्राम की, चने की, KPG 59 उदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लेन राजमा इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग। तो प्लेन है राजमा कल्टिवेटेड किया जाता है एज खरीफ क्रॉप के रूप में राजमा मोस्टली कल्टिवेटेड किया जाता है प्लेन्स के अंदर। ऑप्शन इसके अंदर रवि जायद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर जायद सीजन कल्टिवेशन इन उत्तर प्रदेश। फर्स्ट है वेजिटेबल पी, सेकेंड है ग्राउंडनट, बार्ले, लेंटिल। तो मोस्टली सिंपली ये ग्राउंडनट ही सजेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ पोटेशियम इज अचीव बाई, वो ब्रॉडकास्टिंग एट द सोविंग टाइम, नहीं, सेकेंड है टॉप ड्रेसिंग आफ्टर 1 month ऑफ सोविंग, थर्ड बेसल प्लेसमेंट एट दिस सोविंग टाइम और फोलियर स्प्रे। तो जो बेस्ट मेथड है इसको देने का वो है बेसल प्लेसमेंट एट दिस सोविंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन UK, USA, इंडिया, फ्रांस। तो ये जो यूज की जाती है वो सबसे पहले एक्सटेंशन टर्म वो USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट KVK कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, पोर्ट ब्लेयर, पांडिचेरी, मद्रास। तो ये पांडिचेरी के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा इज रिलेटेड टू, वो नार्प से रिलेटेड है कि नारम से कि अनारी पी से या अननोपदीज। तो ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है इन चारों तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किपिंग प्रैक्टिस इज डन इन, जो जो स्किपिंग प्रैक्टिस है वो की जाती है टी के अंदर, चाय में, कोकोनट में भी नहीं की जाती, अरेका नट में भी नहीं होती और कॉफ़ी में भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAP इज दी स्टडी ऑफ दी, जो MAP होती है वो मेडिसिनल प्लांट की स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथेनिया सोमनीफेरा इज बोटेनिकल नेम ऑफ दी, जो विथेनिया सोमनीफेरा है वो सर्पगंधा को भी नहीं बोला जाता, सतावर को भी नहीं है, सफ़ेद मूसलिका भी नहीं है, ये है विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का बोटनिकल नेम है। नेक्स्ट है प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ गवावा, जो गवावा का प्लांटिंग डिस्टेंस है वो शायद 6 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन एक्सपोर्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज अबाउट, जो हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के अंदर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो है 56 से 58%, अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास है हॉर्टिकल्चर का सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट एंड बिकम ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज कटिंग। वेजिटेटिव पार्ट होता है जो कि सेपरेटेड मतलब अलग किया जाता है वो मदर प्लांट से और एक नया प्लांट बनता, वो बनता है कटिंग से। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट टू अचीव ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ इज नोन एज प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ओवर द वर्ल्ड हाउ मच कंट्रीज प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी अडोप्टेड, वो है 50 कंट्रीज है जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज बीन प्रमोटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है कल्टिवेशन ऑफ द ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नहीं ये नहीं नेक्स्ट है फंजाई आर्स ग्रोन ऑन, तो फंजाई किस पे ग्रोन किए जाते हैं, MRBA मीडिया, YEMA मीडिया या फिर न्यूट्रेंट अगर मीडिया, जो तो ये है NAM न्यूट्रेंट अगर मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोयल इज, उसको बोलेंगे अर्थ स्टडी, सोयल साइंस, पेडोलॉजी, सोयल केमिस्ट्री, वो होगा पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोन नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर, ये जो 2001 और 2016 में पूछा गया है इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा 1800180 1551। एंड हो गया ये। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।
हमें आशा होगी कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों।